हेलो दोस्तों, सब तो पहला वीडियो शुरू करने तो पहला थोनों मैं कहना चाहूँगा कि वायरस जेड़ा चल रहा है उन्हें तो बचने वास्ते जड़ियाँ अपन इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं उन्होंने फॉलो करो, अपना ते अपनी फैमिली का ख्याल रखो। हूँ असी यह कहना चाहवागे पहला तो कि जोड़ा सा टैलीग्राम ग्रुप बनया हुआ है उन्हें वो तो वने ज्वाइन हो, क्योंकि जोड़ा भी हूँ असी तैयारी शुरू करवाती है मास्टर कार्डर तो ETT के सैकेंड पेपर की, जोड़े भी वीडियो थोड़ा मिलेगी उनका PDF जोड़ा लिंक है या PDF फाइल वो थोड़ा ग्रुप के मिल जाया करूगी। तो सब वो तो वने ज्वाइन हो ग्रुप के, ज्वाइन होने वास्ते वीडियो के थले डिस्क्रिप्शन के लिंक दिता हुआ तो उत्थे जाके तुसी ज्वाइन हो सकते हैं। चलो हुण वीडियो बारे गल करते हैं। सब तो पहले की दिता है अज हुण आपां शुरू करते हैं वीडियो जिहड़ी हैगी है पंजाबी दी वीडियो है वो ETT सैकेंड पेपर वास्ते ते मास्टर कैडर दोनों वास्ते ही है, क्योंकि ETT दा जिहड़ा सैकेंड पेपर है इस बार उनका भी प्लस टू तक का सिलेबस है 10th ते प्लस टू तक का, इसलिए इकट्ठे भी कर सकते हैं तुसी। जे तुसी वक्रे टॉपिक चाहिए तो वक्रे भी थोड़ा दे देंगे ETT सैकेंड पेपर वास्ते। हुण की है सब तो पहले आप कंसैप्ट स्टार्ट करांगे, जदों कंसैप्ट क्लीयर हो जाया करनगे तुहानूं उस तो बाद क्वेश्चन बना के दिया करांगे। एक होर छोटा जिहा काम तुसी करना है, जिहड़ी भी वीडियो देखो उन्दे विच कमेंट जरूर करके दसना है कि थोनों की चीज़ समझ लगी है की नहीं समझ लगी, फिर नेक्स्ट वीडियो दे विच असीं होर इंप्रूव करने की कोशिश करांगे। हुण देखते हैं सब तो पहले की अपने को सीखना, कंसैप्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का जिहड़ा सिद्धांत है वो है कि सीखने का भाव हुंदा पहला तो जिहड़ा तुहाडा ज्ञान है कुछ लैंगे तो अनुभव है जिहड़ा उन्दे तो सारा कुछ प्राप्त हुंदा, ठीक है, उन्होंने व्यवहार उन्दे विच परिवर्तन आते हैं तो उन्होंने की हुंदा सीखना दे विच ऐड किया जाता है। जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं लै लो कोई बच्चा हैगा, कोई लड़की है छोटी, अपने मम्मा नूं देख रही किचन दे विच काम कर रही है, मम्मा उन्हें खाना बना रहे हैं, वह भी ट्राई करेगी, पहला वो देख ओबजर्व करेगी, ज्ञान प्राप्त करेगी भी बनता किवें है, या पूछेगी वो, फिर उस तो बाद खुद ट्राई करेगी, हौली हौली वो जिहड़े सीखने की पौड़ी चढ़ती जाऊगी, एक दिन की है उन्हें व्यवहार में चंगी तरह परिवर्तन हो जाएगा तो वह परफेक्ट हो जाएगी। नैक्सट की है, इसलिए सीखने की व्याख्या अंतर संबंधित सिद्धांत अनुसार व्यवहार की स्थाई परिवर्तन होता है। जिहड़ा सीखने का व्याख्या जिन्हों व्याख्या की जाती है या तो अंतर संबंधी, अंतर नूं जिहड़ा इत्थे दो तरीक़े नाल यूज़ किया जा सकता है, अंतर संबंधित मतलब जिहड़ा अंदरों पैदा होवे या अंतर के करे दोनों चीज़ों के। नैक्सट की है, सीखना व्याख्या योग तीन चीज़ों के ऐड होनगियां, सीखना जिहड़ा व्याख्या योग हो सकता है, निरीक्षण योग अते मापने योग। व्याख्या योग हुंदा मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके सीखना या उन्दे तो कोई चीज़ ग्रहण करनी एक्सप्लेन करके, निरीक्षण करना प्रैक्टिकल हो गया जा उन्हें चंगी तरह जांच करनी, मापन करना उन्हें जांच माप के उन्हें आपदे नाल लागू करना। हुण नवें जमाने विच तुसीं कह सकते हैं जिवें हुण तुहानूं मैं सीखने का सिद्धांत दसूँगा, या तो कुछ कु लोग होणगे जिहड़े हुणे सीख लैणगे या इहनूं लर्न कर लैणगे, उदू बाद की है जे किन्हां नूं समझ नहीं आई वो दोबारा वीडियो नूं देखणगे, वो की है उदू बाद की करनगे निरीक्षण करनगे वीडियो का, फिर उन्हें आपदे उत्ते अप्लाई करनगे। सीखने प्रक्रिया जिहड़ी कई साधन हुंदे आ जिवें की है अध्यापन, कंप्यूटर, वीडियो, ये जिहड़े उदू बाद दित्ते होए होर भी ऐड हो जाएंगे कई, इसलिए सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इहनूं सीखना की है आपां किसी नूं किसी ते थोप नहीं सकते भी तू ये चीज़ करनी करनी है, सीखना की है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, जे किसी का जी करेगा तो सीख सकते। हुण तुहानूं धक्के नाल असीं जे वीडियो शेयर भी कर देंगे तो तुसीं उहनूं की है देखोगे नहीं जिन्ना चिर तुहाडे अंदरों वो नहीं होगा, जिन्हों आपां यूज़ कर सकते हैं क्रियोसिटी नहीं होगी कि असीं यह सीखना ही सीखना है। नैक्सट की है अपने कोल सीखने दी विशेषतावां, सीखने दी विशेषतावां अपने कोल हैगियां 14 दे विचों अज तुहानूं 7 देवांगे, तुसी हौली हौली ये कंसैप्ट कंप्लीट कर लियो उद्दू बाद देखदे हां की बनदा। सीखना एक मनोविज्ञानिक प्रक्रिया, इसलिए सीखना वातावरण तो प्रभाव ग्रहण करता है तो वातावरण पर प्रभाव पाउंदा, जिवें सीखना की है मनोविज्ञानिक प्रक्रिया है, सीखने के उत्ते की है वातावरण का प्रभाव पैंदा तो वातावरण पर प्रभाव पैंदा तो वातावरण तो प्रभाव ग्रहण करता। नैक्सट की है फस्ट पॉइंट अपने कोल की है व्यवहार में परिवर्तन, जदों कोई चीज़ नवी सीखते हैं आपां अपने की है व्यवहार दे विच परिवर्तन आंदा। नैक्सट की जिवें आपां चंगी तरह कोई चीज़ सीख रहे हैं पहला आपां लो लैवल ते हैं फिर उस तों बाद हाई लैवल ते पहुँच जाएंगे, फिर अपने व्यवहार दे विच आटोमैटिक की है परिवर्तन आने लग जूगा। मनुखी प्रवृत्ति, सीखने प्रक्रिया मनुख की कुदरती अते मुढ़ली प्रवृत्ति है जिस अनुसार वो आले दुआले तो काफ़ी कुछ सीखता है। पहला की है सीखने प्रक्रिया मनुख की है, ठीक है, मनुख की कुदरती प्रवृत्ति है, वो की है कुदरतों आसे पासे कई चीज़ा सीखता बिना कोई ट्यूशन लए या
ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਓਸਟੀ ਐਡ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ, ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ, ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹੈ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ 7 ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।